जिस प्रकार से शाहबाद के सारे सेक्टर, एमएन कॉलेज के पीछे का सारा इलाका, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पूरी तरह से डूबे पड़े हैं, विधायक अपनी खुद की गली और घर का पानी भी नहीं निकलवा पाए, पूरी कॉलोनी जहां उनका मकान है वो भी डूब गई, वो दर्शाता है कि बाढ़ जो है वो केवल प्राकृतिक आपदा हरियाणा में नहीं, ये मैन मेड आपदा है। अगर मैं ये कहूँ खट्टर सरकार मेड आपदा है तो गलत नहीं। मार्कंडे जी, जिनका आशीर्वाद पूरे कुरुक्षेत्र जिले खास तौर से शाहबाद के इलाके पर हमेशा रहता है, सबको मालूम है कि बाढ़ के सीजन के अंदर मार्कंडा जी के अंदर, यमुना के अंदर, सरस्वती के अंदर, गग्गर के अंदर बहुत पानी आता है, परंतु 9 साल से, क्योंकि बाढ़ नहीं आई थी, किस प्रकार से खट्टर सरकार की अनदेखी, नालायकी, निकम्मेपन, नाकारापन ने किस प्रकार से तटबंधों की अनदेखी की, जहां जहां ड्रेन्स की सफाई की बात थी, गाद निकालने की बात थी, मार्कंडे जी को साफ सुथरा रखने की बात थी बाढ़ से पहले, उसकी अनदेखी की। जिस प्रकार से ना एनडीआरएफ लास्ट मिनट पे आती है, कोई हाई वेलोसिटी पंप का इंतजाम नहीं है। मैं पूरे शाहबाद की नगरी से निकलकर आया, लोग छतों के ऊपर बैठे हैं। हुड्डा में प्लॉट क्यों लिया उन्होंने? इसलिए कि थोड़ी बेहतरीन जिंदगी होगी। हाउसिंग बोर्ड में लोग क्यों प्लॉट लेते हैं? परंतु चार चार पांच पांच दिन से ये तो हमारे जो शाहबाद के चारों तरफ के गांव के हमारे भाई बहन हैं, ये तो उनका धन्यवाद है। हमारे गुरु घर जो हैं, उसमें जो सेवादार हैं, ये उनका धन्यवाद है। हमारे जो मंदिर में पुजारी और दूसरे सेवादार हैं, ये उनका धन्यवाद है कि वो लंगर बना बना कर एक एक घर के अंदर दे रहे हैं, वरना यहाँ भाजपा जजप्पा सरकार नाम की कोई चिड़िया बची नहीं। आप मुझे बताइए, हर बाढ़ के सीजन से पहले 3 महीने पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री हैं। सारी बाढ़ रोकथाम की तैयारियों का जायजा लिया जाता है, देखा जाता है कि तटबांध का क्या है, यमुना के तटबांध का क्या है, मारकंडा जी गगर का क्या स्थिति है, अगर ज्यादा पानी आ जाए लोगों को निकालेंगे कैसे, पर कुछ नहीं 9 साल से हुआ। करोड़ों रुपए के बिल काट दिए गए, परंतु आज तक एक काम नहीं हुआ। हमारी फौरन मांग है खट्टर सरकार से, वो तीन साथी, मैं शिव बम्बम भोले जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी प्रकार से कोई चमत्कार हो जाए और सुलखनी के हमारे जो तीनों नौजवान हैं वो किसी तरह से बचकर घर वापस लौट आए। 21 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है अब से पहले, उनके परिवारों को 15-15 लाख मुआवजा देना चाहिए। खट्टर साहब, आपने 4-4 लाख रुपया मौत के लिए मुआवजा देकर हरियाणा के लोगों का मजाक उड़ाया, क्यों? 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि आज डूब गई है, खत्म हो गई है। वो कपास की फसल हो, वो जीरी की फसल हो, इन सारे इलाके के अंदर पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हम तो सब जीरी लगाते हैं, सारी जीरी की फसल खत्म हो गई। 30,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा अगले 15 दिन में दीजिए। जो मवेशी मरे हैं या बह गए हैं उनका 50,000 रुपये मुआवजा दीजिए। किसान का जो ट्यूबवेल खत्म हो गया है उसका 30,000 रुपया मुआवजा दीजिए। शहर और गांव में जो मकानों में नुकसान हुआ है कम से कम 1 लाख और बाकी असली नुकसान के मुताबिक मुआवजा दीजिए। SC BC के जो हमारे भाई बहन हैं,
एक तो उनका घर खत्म हो गया, दूसरा कोई सामान नहीं है, कपड़े खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, उनके लिए 25,000 रुपया प्रति परिवार मुआवजा दीजिए। ऐसा हमने पहले करके दिखाया है, जब 93 में बाढ़ आई, 2010 में बाढ़ आई, कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा किया। हमारा ये कहना है कि फौरन सरकार आगे आए, राहत दे, और सुलखनी के जो हमारे तीनों नौजवान हैं, जो बच्चे को बचाते हुए बह गए, दो बच गए किसी तरह से, तीन अभी भी लापता हैं, उनके लिए फौरन यूथ स्तर पर उनकी किसी तरह से वो जीवित घर आ जाएं, ये शिवजी के चरणों में भी प्रार्थना है। और सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि सब काम छोड़कर खट्टर साहब के पास अमित शाह को 5-तारा होटल में डिनर की दावत देने का समय है, परंतु पंचकुला से लेकर पानीपत तक और उधर कैथल और जींद तक पूरा हरियाणा डूब गया है, 1,000 गांव डूबे पड़े हैं, 12 जिले प्रभावित हैं, सिरसा फतियाबाद प्रभावित है।